हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारानी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और सबको हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपकी होली हमेशा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। जैसे इस बार आपकी होली बनी, भगवान करे आपके जीवन में हर बार इससे दोगुनी चौगुनी खुशी लेकर आपके जीवन में होली आए, होली का त्यौहार आए। तो आज की वीडियो में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं जो होली वाले दिन मेरे बच्चों को और मेरे पति को बद्दुआ दे रहे हैं कि इसके पति मर जाए, इसके बच्चे मर जाए। पहले सोचती हूँ ये ना एक ना पहले सोचती थी चलो छोड़ो, इग्नोर करो, ये ना एक गंवारपंथी है यार। जो गंवार लोग होते हैं ना वो इस तरह की बातें यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग कभी किसी के लिए ऐसा वर्ड यूज नहीं करते हैं कि उसका पति मर जाए, उसके बच्चे मर जाए। सबका पति, सबके बच्चों को भगवान चौगुनी उम्र दे। सबके बच्चे, सबके पति उनकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही रहें, चाहे वो हमारे दुश्मन हो, चाहे हमारे अपने हो, चाहने वाले हों। हम ना तो कभी किसी का बुरा चाहते हैं और ना ही कभी किसी का बुरा चाहेंगे। ये तो अपने गुण और अवगुण होते हैं कि उनके बच्चे उनके पास हैं या उनसे पति उनसे चले गए या नहीं चले गए। ये तो अपने अंदर गुण होना चाहिए। अपने परिवार को अपने पास रखने का एक गुण होता है औरत के अंदर। तो वो अगर वो गुण उनके अंदर है तो उनसे कोई किसी को दूर नहीं कर सकता, चाहे उनके पति हो चाहे उनके बच्चे हो। कोई किसी के पति को, कोई किसी के बच्चों को नहीं भगा सकता है आज के टाइम में, ठीक है? क्योंकि सब लोग अपने दिमाग का यूज करते हैं और सब में अपनी अपनी बुद्धि होती है। तो मैंने एक कसम खाई थी कि मैं आज के बाद कुछ लोगों पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी ना। मैं चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दिए हैं और जी ब्लॉग भी कर दिए हैं और अन इंटरेस्ट लिस्ट में डाल दिए हैं। लेकिन ये कुछ कमेंट थे जो हमारे भी चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे पास यहाँ तक खबर पहुँचा देते हैं, हमारे चाहने वाले हैं, जब भी हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सही क्या है, गलत क्या है, वो सबको दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि वो लाइक एंड लाइक से पता चल जाता है कि कितने लोग वीडियो देखते हैं और कितने लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है? और ये दो चार लोगों के कहने से कि इसके बच्चे मर जाए, इसका पति से दूर हो जाए, वो किसी कहने से नहीं होता है। वो जो ऊपर वाला है, उसने जिसके नसीब में जो कुछ लिखा है ना वही होगा। और औरत तो एक ऐसी शक्ति होती है जो अपने घर को जोड़ भी सकती है औरत, और बिखेर भी औरत सकती है। तो ये अपने अंदर गुण होने चाहिए कि हमारे परिवार वाले हमें सपोर्ट करें, हमारे बच्चे हमें सपोर्ट करें, हमारे इसमें खड़े रहें, हमारा स्टैंड लें। तो ये अपने अंदर गुण और अवगुण होने चाहिए, ना कि दूसरों की सिखाई से कोई बहकता है। तो वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज था कि आज के दिन, त्योहार वाले दिन, किसी के बच्चों को बद्दुआ देनी और किसी के पति को बद्दुआ देनी, तो इस चीज़ से कोई अपने हमारे संस्कार नहीं दिखा रहा है, अपने संस्कार दिखा रहा है कि उसके अंदर क्या संस्कार हैं और क्या उसको संस्कार दिए गए हैं, किस लेवल तक लोग वो लोग गिर सकते हैं और क्या सोच सकते हैं। एक होते हैं ना पढ़े लिखे गंवार, वो वाले काम, तो ऐसे काम ना तो हमने कभी किए हैं और ना हम कभी करेंगे। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं पर मैं नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं फालतू के किसी के झमेले में पड़ना नहीं चाहती। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरे बच्चों के ऊपर बोला गया था, तो मेरे बच्चों को तुम कुछ भी बोलो और कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऊपर वाला जो है ना वो सब देखता है और जो जैसा करता है ना वो वैसे ही भरता है। अब ये भी नहीं है कि अब कोई कलयुग आएगा, अगला जन्म होगा, उस जन्म में भुगतना पड़ेगा, नहीं, इस जन्म का इस जन्म में ही भुगत के जाना पड़ता है। तो एक हिमाचल वाली दीदी हैं, मैं उनको चैनल का नाम भूल गई, उन्होंने एक कमेंट किया था मेरी वीडियो पे, मुझे याद आ गया। अब आप मतलब कमेंट उन्होंने कुछ और किया था, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन लोग बात क्या है, नाम लो ना लो, लेकिन वो अपने आप ही ले लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो है ना कि वो उनके लिए है, तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं इस बात को। जैसे कि सपोज करो कि मैं अपनी मर्जी से, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से इस घर में रह रही हूँ, मेरी शादी हुई है। अगर मैं अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के चली जाऊँ और किसी और से शादी कर लूँ, तो इस घर से मेरा क्या कनेक्शन रह जाएगा फिर? इस घर से मेरा क्या मतलब रह जाएगा फिर? मेरी शादी मलिक में हो रही है, मेरे हस्बैंड का सरनेम मलिक है, अब मैं मलिक में शादी हो रही है, मेरी शादी किसी और कास्ट में हो जाए, तो फिर मेरा इस कास्ट से, इस घर से, इस उससे क्या मतलब रह जाएगा? क्या ये लोग मुझे फिर इस घर में अपनाएंगे, इस घर में रहने देंगे, इस घर का सरनेम यूज करने देंगे, इस घर की प्रॉपर्टी से, इस घर के बच्चों से, इस घर के किसी भी लेन देन से मेरा फिर क्या मतलब रह जाएगा? कुछ मतलब नहीं रहेगा ना, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ किसी और के घर।
मुझे भेजा नहीं गया, तो फिर इस घर वाले मुझे क्यों अपनाएंगे, क्यों मुझे रखेंगे, क्यों मेरे बारे में सोचेंगे, क्यों मेरे लिए उनके मन में कुछ ऐसी बात आएगी कि नहीं इसे हमें रखना चाहिए। और तो समझने वाले आप लोग समझ गए होंगे, ये तो एक अगर कानून में ये बात रखी जाए ना तो वहाँ भी इसका रिजल्ट यही निकल के आएगा कि आप अपनी मर्जी से गई हूँ, अगर मैं कानून का सारा भी लूँ कि मुझे तो वहाँ जाना है, मुझे तो ये करना है, मेरा वहाँ ये है मेरा वो, तो कानून भी कहेगा आप अपनी मर्जी से गए, वहाँ किसी ने आपको नहीं भेजा है, आप अपनी मर्जी शादी की है आपने, तो आपको अब क्या हक है आपका कि उस घर में आपका हक बचा क्या कि वो लोग यहाँ के कर रहे हैं, वो यहाँ के हो रहा है, मेरे आपका घर शादी दूसरी हो चुकी है तो आपका घर गृहस्थी अगले घर में है ना, कि उस घर में आप दोनों जगह कब्जा नहीं जमा सकते, ऐसा मुझे बोला जाएगा। मैं सिर्फ एक हिमाचली दीदी हैं, उनके कमेंट का उन्होंने कमेंट करा किस और वे में था, मैं किस और वे में समझाया है अपना एग्जाम्पल देके आपको। और बाकी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन लोगों ने भी मुझे समझाया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला है कि दीदी हम पहली बार कमेंट कर रहे हैं आपको, आप इन सब झमेलों में मत पड़ो, हम आपकी वीडियो बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए हम सबकी वीडियो को देखते हुए बहुत सारी बातें सुनते हुए मैंने उस दिन फैसला ले लिया था, आज फिर फैसला ले रही हूँ कि कोई मेरे बारे। और मैं ये बोलूँगी जो लोग मेरे लिए ऐसा कमेंट कर रहे हैं ना उनको बोलूँगी आप प्लीज़ उन कमेंट को इग्नोर करो, मेरे पास तक कमेंट्स नहीं पहुँचाओ, क्योंकि मैं उसी ऊपर वाले को मानती हूँ और वो सब देखता है क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और मैं सही हूँ इसलिए मैं डरती भी नहीं हूँ किसी से। इसलिए मैंने अपना वीडियो की जो ट्रैक था ना वो चेंज भी कर दिया था, तो जब सुबह सुबह ऐसा कमेंट सामने दिखा तो उस बात पर देखो गुस्सा भी आता है कि कोई किसी के बच्चों को त्योहार वाले दिन ऐसा सब कुछ बोलता है, तो सिर्फ यही पर्पज़ था वीडियो बनाने का। और करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, नहीं इस वीडियो में मैं वो क्लिपिंग भी जोड़ दूंगी जो मेरे मायके से आया था, होली पर कोथली आती है हमारे यहाँ, होली पर गिफ्ट आते हैं मायके से, होली पर भी आते हैं और तीज पर भी आते हैं, तो वो क्लिप भी इसमें ऐड कर दूंगी, वो मैंने वीडियो डाली थी फिर डिलीट हो गई थी, तो उस वीडियो को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, तो आप इस वीडियो में देख लेना मेरे मायके से आया हुआ सामान जो होली पर आया था। तो भगवान सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, सबके घर में खुशी बनी रहे, सब लोग खुशी से त्यौहार बनाए, और जो मुझे सारे लोग सपोर्ट करते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और इतना प्यार करने के लिए, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो हैप्पी होली मेरे हेटर्स को भी और सपोर्टर्स को भी, आप लोगों की होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो, मेरे हेटर्स की भी और सपोर्टर्स की भी, किसी घर में कोई दुख ना आए त्यौहार वाले दिन, और जो लोग मुझे बद्दुआ दे रहे हैं भगवान करे उनकी बद्दुआ किसी को ना लगे, ना मेरे को लगे ना उनको लगे, सबके घर में खुशियाँ छाई रहे। ये परी का गाउन है, ऐसे परी थी बहुत लंबी वीडियो करने वाली आज, बस हो गया। का लोवर, हाँ वो लोवर ही मंगाते हैं अपनी हमेशा, ये पापा जी की टी-शर्ट, पापा जी की शर्ट, हमारे पापा का लोवर और उनकी टी-शर्ट, इसकी तह भी खोल दी परी दी ने, और ये अभिराज की शर्ट, और ये अभिराज की टी-शर्ट, और अभिराज की जो कैफरी थी वो वापस चल गई, क्योंकि अभिराज के वो बड़ी आ रही थी काफ़ी, तो अभिराज की चेंज होके आएगी नेक्स्ट मंथ। ये अभिराज की टी शर्ट है जो कि उसकी कैफरी चली गई है, वो वापसी होकर दोबारा से आएगी, और ये अभिराज परी का अपना गाउन दिखाई दिया परिधि ने, और जो आए हैं कंगन वगैरह वो मैंने ठाके रख दिए क्योंकि मोल जाते हैं, हाँ अरे कंगन मोल जाते हैं, फिर मैंने ठाके रख दिया एडवांस में, अब दिखाई भी दिया ड्रेसिंग में भी अंधेरा हो रहा है। और आया है खाने पीने का, और क्या आया है चुलाई के लड्डू है ना, चुलाई के लड्डू, इसमें इन्होंने खा भी लिया, ये उसकी थी ये सोन पापड़ी, ये मम्मी ने घर से बना के भेजी थी, गोले की बर्फी, पेठे की मिठाई, हमारे यहाँ ना बट हमारे यहाँ ना ये सब कुछ बटता भी है, ये है मटड़ी, ये अभिराज खाता है, और ये भी है लड्डू, एक दो तीन चार पाँच छह तरह का सामान खाने का, और खाने का सामान तो और भी है ना बहुत सारा भी, हाँ एक ये कचरी जो कि इन्होंने निकाल ली है जो कि भून के खा भी लिए दो पैकेट, तो एक ये वाली भी कचरी है, फ्लावर वाली, और ये हैं खजूर के दो पैकेट, डेट्स, दीज आर डेट्स, ये हैं ओट्स के दो पैकेट, हम वो टावर में ओट्स खा गए,
और ये थे काजू जो कि इसने निकाल दिए, इधर सब चेक कर लिया है। ये है किशमिश, हाँ किशमिश रखी है मैंने खोली थी इसलिए। ओहो ये है बादाम, बादाम तो निकल भी गए। और ये है साबुदाना। तो हमारे यहाँ ये सब सामान आता है होली पर, कोथली का सारा सामान फैला दिया है परिधि ने, जो कि संगवाना पड़ेगा मुझे तो। और हो गए हैं अब 7 बजने वाले हैं, इनकी गाड़ी आने वाली है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। परी करेगी बाय एंड बादाम के साथ, बाय। और परी का गाउन बहुत सुंदर है, चमक रहा, धूप की वजह से नहीं निकला नहीं।